अस्सलामुअलैकुम। तो आज अपना एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है थर्मोस्टेट्स। तो देखो भाई, थर्मोस्टेट क्या होता है इसको मैं बताऊंगा और ये क्यों यूज़ होता है। अक्सर आपके घर में ये लगा हुआ होता है, आपको पता नहीं होता, लेकिन आज इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल आपकी बुक में नहीं दी हुई, तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, शॉर्ट में समझाऊँगा कि अगर पेपर में MCQs आ जाए या पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। इसमें सेल्फ असेसमेंट के 3 क्वेश्चन है, तो वो भी कराऊँगा ताकि आपको बात अच्छी समझ में आए। देखो भाई, मैंने पहले भी बात बोली थी, अब फिर बोल रहा हूँ, जहाँ भी थर्मो का वर्ड आ जाए इसका मतलब है हीट, ठीक है, हीट। अब जहाँ भी स्टेट का मतलब आ जाए इसका मतलब है स्टेशनरी। अब समझ गए आप मेरी बात कि हीट को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। अब ये वर्ड तो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, ठीक है। तो थर्मोस का मतलब क्या है? थर्मो का मतलब है हीट, स्टेट्स का मतलब है स्टेशनरी, यानी टेम्परेचर को फिक्स रखना। इस डिवाइस का क्या काम है, ये लिखा हुआ भी है, बल्कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द डिवाइस और होम अप्लाइंसेस अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। ये इस्तेमाल होता है, ये एक छोटी सी डिवाइस है, मैं बता दूंगा कैसी होती है, पहले आप सुने कि ये एक छोटी सी डिवाइस है जो कि इस्तेमाल की जाती है आपके घर में लगे हुए मुख्तलिफ अप्लाइंसेस में जहाँ पर हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये डिवाइस क्या करती है कि ये टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। आओ ज़रा मैं एग्जांपल देता हूँ। अमूमन सर्दियाँ भी गुजर गई हैं, लेकिन हीटर आप सबने जो है वो यूज़ किया ही होगा, और पंजाब के इलाके में, सिंध के इलाके में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कराची में बहुत कम यूज़ है इसका। जब आप हीटर यूज़ करते हो तो हीटर में लगा हुआ होता है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट्स। अब ये वहाँ पे क्यों लगाते हैं? ये वहाँ पे इसलिए लगाते हैं ताकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो एक कंट्रोल में रहे, टेम्परेचर इन कंट्रोल। अब देखो किस तरह से, ठीक है, कंट्रोल में किस तरह से रहता है टेम्परेचर। स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं टेम्परेचर की, ठीक है, टेम्परेचर इन कंट्रोल रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हीटर को सेट किया, हीटर में आपको पता है सेट करने का ऑप्शन आ रहा होता है, आपने हीटर को सेट किया कि आपके कमरे का टेम्परेचर हो जाए 30 सेल्सियस का हो जाए, 30 सेल्सियस का आपके कमरे का टेम्परेचर हो जाए। अब 30 सेल्सियस हो गया, आप सो रहे हो मज़े से, 30 सेल्सियस हो गया, तो क्या अब हीटर चलता ही रहेगा? अगर इस तरह से हीटर चलता रहा तो फिर तो टेम्परेचर 50 सेल्सियस तक भी चला जाएगा, क्योंकि वो तो कमरे को गर्म करता रहेगा। तो अब यहाँ पर यूज़ होगा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करेगा, जैसी ही 30 सेल्सियस होगा, जैसी ही 30 सेल्सियस होगा, थर्मोस्टेट ऑफ कर देगा आपके हीटर को। समझ में आया इसका यूज़? ये 50 सेल्सियस तक नहीं जाने देगा, तो टेम्परेचर को स्टेशनरी रखने के लिए यूज़ हो रहा है। अब जब ये ऑफ हो गया तो अब टेम्परेचर क्या होगा, दोबारा कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही एक डिज़ायरेबल हद तक कम होगा तो दोबारा ये ऑन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब टेम्परेचर आपका कम हो गया, कम होना शुरू हो गया, और टेम्परेचर कम होकर आपका 20 सेल्सियस का हो गया, तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, थर्मोस्टेट क्या करेगा आपका, आपके हीटर को दोबारा से ऑन कर देगा, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? चलो, अब ये कराची वाले बच्चे शायद रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो लोग तो हीटर यूज़ नहीं करते हैं, हम लोगों ने हीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्दी इतनी ख़ास नहीं होती हमारे यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 14-12-13, बहुत ही गिर गए तो 11, इससे नीचे नहीं जाते, सिंगल डिजिट तो नहीं होता कभी भी, जैसे 9-10, 9-11, 9-7 नहीं होता। अब देखो, रेफ्रिजरेटर तो सबके घर पर है, अब ये भी सब रिलेट करेंगे भाई, कराची वाले हो तो रेफ्रिजरेटर तो होगा, रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर में भी ये लगा हुआ होता है। अब आप अपने घर में जाओ, रेफ्रिजरेटर देखो, वहाँ पर एक वो लगा हुआ होगा, आपको घुमाने वाला डायलर लगा हुआ होगा, तो वो डायलर बेसिकली थर्मोस्टेट को कंट्रोल कर रहा है। कैसे? अब आपके फ्रिज में जो टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर है, आपने सेट कर दिया वो होना चाहिए -2 सेल्सियस, एग्जाम्पल के तौर पर -2 सेल्सियस, ठीक है। अब -2 सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, चलो इसको थोड़ा और बढ़ा लो, -2 कर लो, बहुत है, -2 बहुत रहेगा, -2 सेल्सियस हो गया, तो अब क्या रेफ्रिजरेटर चलता रहेगा?
अगर इसी तरह चलता रहा तो बिजली का बिल कितना आएगा, और इसी तरह से फिर वो तो सब जम जाएगा, अंदर भी चीज़ें जम जाएंगी और फिर तो बॉडी भी जमना शुरू हो जाएगी, क्योंकि -2 के बाद टेम्परेचर रुकना तो नहीं है, वो तो मज़ीद नीचे जाना है। तो अब क्या होगा, अब लगाएंगे हम अपना थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट्स, तो ये क्या होगा, ये ऑफ कर देगा, जैसे ही 20 सेल्सियस होगा ये ऑफ कर देगा, किसको ऑफ करेगा, आपके रेफ्रिजरेटर को ऑफ करेगा, बात समझ गए। तो यहाँ पर ये काम इस तरह से करता है, तो इसी तरह से माइक्रोवेव में भी लगता है और ओवन में भी लगता है और फायर अलार्म, नहीं फायर अलार्म, हाँ फायर अलार्म में पहले लगता था, अभी का तो नहीं पता, लेकिन फायर अलार्म में नहीं होता ये, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब ये काम कैसे करता है ये सुनो, इसका सर्किट बराबर में बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा सर्किट नहीं है और सर्किट बहुत डिटेल में नहीं है ये, तो इसलिए सर्किट पे नहीं जा रहा मैं। इसके काम कैसे करता है, इसमें लगा हुआ होता है थर्मिस्टर, थर्मिस्टर पे जब टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस कम होती है, फिर वो सिग्नल आगे भेजता है रेजिस्टर को, ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर फिर एम्पलीफायर करता है और फिर ऑन या ऑफ सर्किट आपका हो रहा होता है, बात समझ आ गई ना, ये इस तरह से काम करता है। तो मैंने डिटेल दे दी है, आई होप भूलोगे नहीं। चलो अब सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस करते हैं, जो कि 3 दिए हुए हैं, जो कि बेसिक मैंने आज आपको कराने थे। मैंने कहा था ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको थोड़ा सा हाउनो दूंगा, क्योंकि बहुत छोटा दिया हुआ है आपको टॉपिक, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। चलो 3 सेल्फ असेसमेंट करते हैं। पहला दिया हुआ है, डू थर्मोकपल्स टेल यू द टेम्परेचर, क्या थर्मोकपल टेम्परेचर बताता है? यस, बिल्कुल, थर्मोकपल यूज़ ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हो रहा होता है, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होने देता है। तो यस, थर्मोकपल्स आर टेम्परेचर सेंसर्स दैट मेजर टेम्परेचर बाय डिटेक्टिंग द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू डिसिमिलर मेटल्स, दो डिसिमिलर मेटल्स लगे होते हैं, आप पढ़ चुके हो उसे, तो उसकी मदद से ये टेम्परेचर को बता रहा होता है। अच्छा दूसरा सवाल देखो, वाई आर टू डिफरेंट मेटल्स रिक्वायर्ड इन अ थर्मोकपल्स, एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट, ये मैंने खुद लिख दिया एक्सप्लेन इट इन अ शॉर्ट, ये सवाल में शामिल नहीं था। तो यहाँ पर ये पूछते हैं कि थर्मोकपल में दो डिफरेंट मेटल्स क्यों यूज़ हो रहे हैं, आपने देखा होगा ना उसमें दो डिफरेंट मेटल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ऐसा क्यों है, एक ही मेटल पे क्यों नहीं बना रहे हैं? तो भाई उसकी वजह ये है कि दो डिफरेंट मेटल इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जिसकी वजह से करंट फ्लो करे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर दो डिफरेंट मेटल होंगे तो एक का जो आपके पास टेम्परेचर, एक का जो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है वो अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, ठीक है। तो टू डिफरेंट मेटल्स आर रिक्वायर्ड इन अ थर्मोकपल्स टू क्रिएट व्हाट नोन्स एज अ सीक बैक इफेक्ट, सीक बैक इफेक्ट इस पे बनता है व्हेन द जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स एक्सपीरियंस द टेम्परेचर डिफरेंस इट्स जनरेट अ वोल्टेज, बात समझ में आ गई, सीक बैक इफेक्ट लगता है और टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होता है। चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम पढ़ चुके हैं इसे। अच्छा, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ थर्मिस्टर फेलियर, थर्मिस्टर क्यों फेल होता है, मतलब आपने थर्मिस्टर लगा दिया है एक डिवाइस में, वो फेल हो गया, उसकी वजह क्या बनती है? भाई एक तो आपको पता है डिवाइसेस में अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हो उनके फेल होने की एक बहुत बड़ी वजह होती है कि वोल्टेज का बहुत ज़्यादा हो जाना या करंट का बहुत ज़्यादा हो जाना या डिवाइस का ही जल जाना या सर्किट शॉर्ट हो जाना। तो ओवर वोल्टेज और वोल्टेज स्पार्क्स, समझ गए, आपको डिटेल वही लिखी हुई है उसमें। और दूसरा लिखा हुआ है ओवर करंट या पासिंग एक्सेसिव करंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा करंट गुजारोगे, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है बल्ब लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा करंट आएगा जल जाएगा, ये वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा आएगा तो भी जल जाएगा, जब भी तो स्टेबलाइजर लगाते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस यानी दब जाना, इस वजह से भी टूट जाता है। फिजिकल डैमेज सच एज बेंडिंग और क्रैशिंग, मतलब आप डिवाइस को बंद कर रहे थे, आपने उसको दबाया ज़्यादा ज़ोर से, वो टूट गया। फॉर एग्जांपल ये पेन है, मैंने इसको यूँ करूँगा तो टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये इसके सवालों के जवाब थे, आई होप समझ में आया होगा, यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ ना समझ में आया ज़रूर पूछना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में।